गाइज कैसा लगा आप सभी का आज का ट्यूटोरियल वीडियो, आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आप लोगों को पता जो है ना होगा कि ये सॉन्ग अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर और बहुत ही तेज़ी से वायरल में चल रहा है। आप लोग तो इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट और जहाँ तहाँ आप रील्स पर भी आप लोग देखे होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए इस सॉन्ग के ऊपर इसका ट्यूटोरियल लेकर के आ गया जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में प्रीव्यूज देख लिया। ठीक है, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो बस आप सभी वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से बिना देर किए हम वीडियो को शुरू कर लेते। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने मोबाइल में से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जैसे तो मैंने पहले से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हो। तो अब दोस्तों आप सभी को सबसे पहले आप लोगों को मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर दोस्तों आप सभी को दो लिंक मिलेगा। ठीक है, पहला सॉन्ग बीट मार्क XML और दूसरा शेक इफेक्ट XML। ठीक है, तो उन दोनों को दोस्तों अलाइट मोशन में इम्पोर्ट करना था। उसके लिए दोस्तों जो आप लोगों ने डाउनलोड किए थे अभी मेरे डिस्क्रिप्शन से XML, तो उस पर आप लोगों को जो है डाउनलोड फाइल में आप लोग इस प्रकार से चले जाना होगा और जैसे तो यहाँ पर जो दो इस प्रकार का आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस थ्री लाइन पर क्लिक करके सेलेक्ट पर क्लिक करके और दोस्तों यहाँ पर शेयर बेल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे दोस्तों अलाइट मोशन जो लिखा है इस अलाइट मोशन इसको दोस्तों आप लोग इस प्रकार से जो है इंपोर्ट कर देना। ठीक है, शेक इफेक्ट XML को भी इस प्रकार से शेयर पे जाकर के अलाइट मोशन में इसको भी इम्पोर्ट इस प्रकार से कर देना। ठीक है, इस तरीके से हो जाने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल में से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन करना है। अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं प्लस के जो है ना साइड में यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लिखा है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते जो सॉन्ग बीट मार्क XML उसके बाद शेक इफेक्ट XML जो इंपोर्ट किया था, आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क वाले पर इस तरीके से क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक हो जाने के बाद अब दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी को कुछ इस प्रकार से नहीं आया आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ओनली सिर्फ आप लोगों को ब्लैक दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो रेड में है आप लोगों को इस पर टच कर देना है, कलर एंड फिल में जाना है, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी फोटो को इस प्रकार से प्लस पर क्लिक करके ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार बैक आ जाना, बैक आने के बाद फिर से दोस्तों आप लोग थोड़ा सा आगे जाइएगा, फिर से अगला जो है ना रेड स्क्रीन जो देख सकते लिखा है इस पर टच कर देना है, कलर एंड फिल में जाना है, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके दोस्तों फिर से आप लोगों को इमेज को एड करके प्लस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद अब आप सभी को कुछ इस प्रकार से फिर से थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आगे आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे सबसे चला जाना और यहाँ पर देख सकते हैं राउंड रेक्टेंगल के ऊपर में जो देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम लिखा है, इस पर टच करके कलर एंड फिल में जाना है, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को इमेज को इस प्रकार से एड करके प्लस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इस प्रकार से कर देना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो राउंड रेक्टेंगल के ऊपर जो लिखा है मेरे चैनल का नाम, इस पर टच करके कलर एंड फिल में जाना है, यहाँ पर स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके आप सभी को यहाँ पर इमेज को इस प्रकार से एड करके प्लस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये प्रोसेस आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इन सभी पर आप लोगों को फोटो का एड इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आप लोग थोड़ा सा आगे आएगा तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले नीचे आ जाना है। आगे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इमेज जिक्सटेक लिखा है, तो आप लोगों को दोस्तों इस पर टच करना है पहले। ठीक है, उसके बाद कलर एंड फिल में जाना है, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सभी को फिर से आप लोगों को कोई भी इमेज को एक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक इमेज को एड करके प्लस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके बैकग्राउंड में आप लोगों को ब्लैक का जैसा आ जाएगा। आने के बाद अब आप लोगों को एक बार फिर से बैक इस प्रकार से आ जाना। आगे आने के बाद अब दोस्तों आप सब यहां पर देख सकते हैं जो जिक्सटेक लिखा है मेरे चैनल का नाम, आप लोगों को फ्रेंड्स फिर से इस प्रकार से जो है ना इस पर टच करके कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है और दोस्तों स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके दोस्तों फिर से आप लोग यहां पर इमेज को कोई भी इमेज को आप लोग ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर मैंने कर दिया हूँ। उसके बाद अब आप लोगों को फिर से दोस्तों यहाँ पर जो है ना इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी इमेज को इस तरीके से एड कर देना। ठीक है, तो आप लोग कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग थोड़ा सा आगे आएगा, देख सकते हैं इन सभी पर आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक है, आगे आने के बाद बस आप लोग वीडियो को ध्यान से थोड़ा सा एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर कोई भी आप लोगों को इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से बीट पर यहाँ पर आ जाना है, 14:54 है, इस 14:14 के बीट पर आप लोग को आ जाना है, प्लस पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक करना है और दोस्तों आप लोगों को इमेज को इस प्रकार से एड करना है। ओके, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में कर देना। ठीक है, फिर से आप लोग को अगला बीट पर आ जाना है और इस बेल आइकन पर क्लिक करके कट लगाना है, फिर से आप लोगों को प्लस पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक करना है,
फिर से आप लोग कोई भी इमेज को एड कर देना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में कर देना है। उसके बाद फिर से अगला बिट पर आ जाना है, उस वाले आइकन पर क्लिक करके कट कर देना, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जितना जो बिट देख रहे हैं सही बिट पर आप लोग को दोस्तों फोटो को इस प्रकार से एड कर देना, ठीक है। एड करने के बाद अब आप लोग दोस्तों 19:53 आइएगा तो आप लोगों को फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से नीचे करते जाना है। उसके बाद आप लोग इस पर टच करके देख सकते हैं जो रेड में लिखा है मेरे चैनल का नाम, इस पर टच करके कलर एंड फिल में जाना है, स्टार बेल आइकन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर कोई भी इमेज को इस प्रकार से एड करके प्लस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोग कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर भी आप लोगों को कर देना होगा। उसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा 21:32 पर आइएगा तो आप लोगों को सिर्फ बीट देखने को मिलेगा सभी, ठीक है। तो आप लोगों को बीट पर आ जाना है 21:32 पर और प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से, और मीडिया पर जाना है, फिर से आप लोगों को इमेज को एड करके थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला बीट पर आ जाना और इस पर आइकन पर क्लिक करके कट करना है, फिर से प्लस पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक करना है, फिर से इमेज को एड करके थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में करना है, फिर से आप लोगों को अगला बीट पर आ जाना है, इस वाले आइकन पर करके कट लगाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखते हैं पर जितना जो बीट है सभी पर आप लोगों को फोटो को इस प्रकार से ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना, ठीक है। आ गया वीडियो को स्टार्टिंग में आने के बाद अब आप लोगों को वीडियो को ध्यान से बस आप लोग देखते रहे, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक बार बैक इस प्रकार से आ जाना, आने के बाद जो आप लोगों ने सेक इफेक्ट एसएमएल जो इंपोर्ट किया था आप लोगों को सेक इफेक्ट में आप लोग को इस प्रकार से चला जाना। सेक इफेक्ट में जाने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को पहले वाले फोटो पर देख सकते जो इफेक्ट है, तो पहले वाले फोटो पर इस प्रकार से टच करना, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट आप लोगों को कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार बैक इस प्रकार से चला जाना और सॉन्ग बीट मार्क में आप लोगों को जो अभी फोटो कहता है उस सॉन्ग बीट मार्क में आप लोगों को चले जाना, ठीक है। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद अब आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने फोटो को ऐड किया था, यानी कि 14:54 जो आप लोगों ने फोटो को ऐड किया था, सिर्फ फोटो को आप लोग वहाँ पर इस प्रकार से आ जाना, ठीक है। उसके बाद फोटो पर टच करके इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। फिर से आप लोग को अगला फोटो पर टच करके इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जितना जो सभी बीट पर जो फोटो को ऐड किया था सही पर आप लोगों को इसी पहला नंबर इफेक्ट को आप लोग को पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाए, ठीक है। 21 जो आप लोगों ने 32 सेकंड से जो फोटो को एड किया था आप लोगों को यहाँ पर एक बार बैक आना है, बैक आने के बाद सेक इफेक्ट में फिर से चले जाना है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा इफेक्ट है इस पर आप लोगों को टच करना है, आप लोगों को फिर से इफेक्ट पर टच करके थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर देना है, एक बार बैक जाना है और दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या होगा, फिर से सॉन्ग बीट मार्क में आप लोगों को चला जाना है इस प्रकार से, ठीक है। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पर आ जाना, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बोला था आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाइएगा 21:32 पर, ठीक है। उसके बाद फिर से फोटो पर टच करके आप लोगों को फोटो पर टच कर देना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट आप लोगों को कर देना है, फिर से आप लोगों को अगला फोटो पर टच करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप सभी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जितना जो फोटो अवेल रहेगा इन सही पर आप लोगों को पेस्ट कर देना है। उसके बाद अब आप लोगों को एक काम और बाकी रह गया तो आप लोग एक बार बैक जाना, फिर से इफेक्ट में जाना है और दोस्तों यहाँ पर देखिए तो ऊपर में प्लस का आइकन है, इस प्लस पर क्लिक करके दोस्तों सेलेक्ट ऑल लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे जाइएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को आप लोग सबसे नीचे जो दोनों हैं इसको आप लोगों को टिक ऑन टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस पर क्लिक करना है, कॉपी 10 लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार बैक आ देना, बैक आने के बाद फिर से आप सभी को सॉन्ग बीट मार्क में इस प्रकार से चले जाना है। सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद अब आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाए, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाए 14:54 पर आप लोगों को इस प्रकार से आ जाना, ठीक है। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके पेस्ट 10 लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से अब आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाइएगा 21:00 दोस्तों आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। 21:00 यहाँ पर देख सकते जो 32 सेकंड है वहाँ पर आ जाना है, फिर से प्लस पर क्लिक करके पेस्ट 10 लेयर यानी कि 10 लेयर को पेस्ट करना है, ठीक है। फिर से वीडियो को स्टार्टिंग में जाना है। अगर आप सभी को इस XML में साउंड नहीं रहेगा तो दोस्तों मैं इस साउंड का भी लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग इसमें साउंड को ऐड करना चाहते हैं प्लस पे क्लिक कीजिएगा और मीडिया पे जाइएगा और दोस्तों आप लोगों को जो भी फाइल में रहेगा साउंड यानी कि म्यूजिक उस फाइल में जाकर के दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को सॉन्ग वाले पे इस प्रकार से टच करना है और दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे 3 डॉट का ऑप्शन, 3 डॉट पर क्लिक करके और नीचे देख सकते हैं एक्सट्रीट ऑडियो का ऑप्शन, ओके, इस एक्सटेड ऑडियो पर क्लिक करके ऑडियो को बाहर निकालना है और जो ब्लैक स्क्रीन का वीडियो रहेगा उस पर टच करके आप लोग डिलीट वाले क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करते हैं अब आप सभी के लिए आज का जो है स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत अमेजिंग और पसंद भी आया हुआ, तो आप सभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही।